आपने रॉयल एनफील्ड के अंदर हाइड्रोलिक का नाम सुना होगा, गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक होते हैं, तो अगर नहीं सुना है तो मैं आपको आपको उसी के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपको हाइड्रोलिक दिखाता हूँ किस प्रकार होते हैं। ये दो, ये मेरे पास दो हाइड्रोलिक है, दोनों एक जैसे होते हैं। इसको आप गाड़ी के अंदर इस तरफ डालें या इस तरफ डालें कोई फर्क नहीं है, सेम है। आपके स्टैंडर्ड मॉडल हो, थंडरबर्ड हो, क्लासिक हो, रॉयल एनफील्ड का, तो दोनों तीनों में मतलब एक जैसे डलेंगे। हाइड्रोलिक का सेम साइज होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। और जो आपने गाड़ी के अंदर टैपिंग नॉइज सुनी होगी, एक टिक 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 की साउंड आती है, तो कई बार क्या होता है गाड़ी में फुल काम कराने के बाद भी गाड़ी के अंदर जैसे टाइमिंग गियर की भी एक साउंड आती है टिक टिक की, अगर वो भी बिल्कुल सही है। उसके अंदर अगर टाइमिंग गियर आपके सेट हैं उसके बाद भी आप गाड़ी में साउंड आ रही है पूरा, मतलब पूरा जोर लगाने के बाद भी अगर गाड़ी के अंदर से टैपिंग नॉइज नहीं जाती है, तो फाइनल में आपको जो क्या करना है, ये जो हाइड्रोलिक होते हैं ना इनको चेंज करना पड़ता है। इनको चेंज कर देंगे उसके बाद जो आपकी गाड़ी की साउंड जो टिक टिक की साउंड है बिल्कुल बंद हो जाएगी। वैसे तो हाइड्रोलिक ऐसे ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है, ये लगभग 1 या 1.5 लाख से ऊपर चलते हैं। और ख़राब भी हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जैसे कि ऑयल पुराना होगा, कचरा आएगा, तो उसी कारण ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं एक को आज खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें दो छेद होते हैं, एक ऊपर होता है एक इस साइड होता है, तो अगर इन छेदों के अंदर से ऑयल के साथ कचरा अंदर चला जाता है तो आपके हाइड्रोलिक जो ख़राब हो जाते हैं। इनको कैसे चेक किया जाता है, तो कैसे करेंगे, ये आपने हाइड्रोलिक लेना है एक ऐसे पेचकस से, इसको यहाँ से पुश करना है अंदर को, ध्यान से देखना अंदर को पुश होंगे, दबाएंगे दिख रहा है अंदर को जा रहे हैं, तो ये हाइड्रोलिक जो है ख़राब हो गया है। अंदर कर जाएंगे तो हाइड्रोलिक आपके ये ख़राब हो गया, दूसरा तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है ना, ये तो बिल्कुल ही पहले से अंदर हो गया, तो अंदर को नहीं लग गया, ये पहले से अंदर को चला गया, तो ये तो टोटली ख़त्म है, टूट भी गए हैं, ये सारे कैमरे में नहीं दिखेगा, यहाँ से टूट रखे हैं तो देखिए से दिखेगा नहीं। तो एक को खोल के देखते हैं पहले, ऐसे एक यहाँ पे लॉक होता है, इस लॉक को बाहर निकालना है, इसका लॉक है, इसके बाद इसकी डबल निकलेगी यहाँ से एक इस प्रकार के, इसके बाद ये छोटा सी ऐसे प्लेट जैसी है और इसके बाद फिर इसके अंदर पंप होता है, इस पंप को बाहर निकालना है, इसका अंदर पंप होता है, ठीक है, ये पंप है इसका, ठीक है, और इसके नीचे एक स्प्रिंग होगा अंदर, इसका अंदर से इसके अंदर से स्प्रिंग निकलेगा अंदर से, ठीक है, बस इसके अंदर यही दो चार चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर तो कुछ भी नहीं इसके अंदर होता है, बस इसके अंदर ऑयल का प्रेशर बना रहता है, अगर वो प्रेशर लीक हो जाएगा कचरा आएगा तभी लीक होगा, ऐसे अदरवाइज ख़राब नहीं होते हैं, कचरा आएगा तो लीक हो जाएगा तो आपके हाइड्रोलिक दबने लगेंगे। अगर प्रेशर आपका ऑयल का आपका तेल जो है ना यहाँ से ऊपर से यहाँ से अंदर जाता है, ठीक है, अंदर जाएगा तेल का प्रेशर बन जाएगा, उसके बाद आपके हाइड्रोलिक दबना जो है बंद हो जाएंगे, जब भी नए डालेंगे कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपकी हाइड्रोलिक की जो साउंड है बिल्कुल बंद हो जाएगी गाड़ी की जो नए डालेंगे तब। तो फिट कर देते हैं इसको ऐसे जैसे लगा, ठीक है, ऐसे लगा देना। इनके अंदर ऑयल रहता है, इंजन ऑयल होता है ना, सेम वही ऑयल चलता है इनके अंदर, कचरा नहीं जाना, अगर कचरा चला गया थोड़ा सा भी अंदर तो मतलब ये ख़राब हो जाएंगे। अभी बोलते हैं गाड़ी की रॉयल एनफील्ड का जो काम करना है सर्विस टैंक की करवानी है, अगर उसमें गंदा तेल नहीं रहना चाहिए, गंदा रहेगा तो ये चीज़ें महंगी होती हैं, ख़राब हो जाएंगी। जब इसको नया डालेंगे तो नया डालने के दौरान इसका कितना खर्चा रहता है, कितने के चेंज हो जाएंगे हाइड्रोलिक आपका, लगभग 840 रुपये का, 800 या कुछ रुपये का मतलब आ जाएगा, दो जो आपके 1600 या 1700 के करीब आएंगे। और फिटिंग के दौरान जैसे मैकेनिक पे डिपेंड है कितना आपका चार्ज लेगा डालने का, ठीक है, जब मैं डालूंगा तो मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।